संतुलित आहार वह है जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण आदि प्रदान करे। जिस तरह हर इंसान के लिए एक ही आहार संतुलित नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी की शारीरिक जरूरतें अलग अलग होती हैं, ठीक उसी तरह पशु के लिए संतुलित आहार के मायने अलग होते हैं। पशुओं के लिए संतुलित आहार का मतलब उस भोजन सामग्री से है जो पशु विशेष के 24 घंटे के लिए निर्धारित पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जब बात हमारे खुद के खान पान एवं पोषण की होती है तो हम बड़ी जतन से तरह तरह के खाद्य पदार्थ बाजार से लाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े चाव से खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को उचित मात्रा में पोषण मिल सके, हमारा विकास समुचित तरीके से हो। लेकिन जब बात आती है हमारे पशुओं के खान पान एवं पोषण की, तो हम उन्हें पूरी तरह से छोड़ देते हैं खुले में चरने के लिए, बिना इस बात का ध्यान रखे कि उन्हें उचित भोजन मिला भी कि नहीं। यदि मिला तो क्या उचित मात्रा में मिला? और शायद कभी कभी हमें स्वयं जानकारी नहीं होती कि उनके लिए क्या और कितनी मात्रा में भोजन को संतुलित माना जाए, है ना ये सोचने वाली बात। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि हमारी बकरियों के लिए संतुलित भोजन क्या होना चाहिए एवं उन्हें संतुलित भोजन देने से हमें क्या क्या फायदे होंगे। बकरी के लिए संतुलित आहार के विषय पर विस्तार से बात करने से पहले आइए जानते हैं कि दीदी और भैया को बकरी पालन के पिछले वीडियो बकरी के लिए आवास व्यवस्था से कितनी बातें याद है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। दीदी आप लोग बकरी के लिए आवास व्यवस्था वाला पिछला वीडियो देखे थे? हाँ भैया, हम सब दीदी देखे थे। अरे दीदी बहुत अच्छा, तो उस वीडियो से आप लोग क्या सीखे दीदी? उस वीडियो से हम लोग यही सीखे भैया कि उसको घर बनाना बहुत जरूरी है। क्यों दीदी? क्योंकि उसको गर्मी, बरसात और जंगली जानवरों से बचाने के लिए बकरी का घर जमीन से 1 फीट ऊंचा होना चाहिए और चारों तरफ घेराव होना चाहिए और साफ पानी भी वहाँ पे होना चाहिए और साफ घर भी होना चाहिए। बिल्कुल दीदी, अगर आप बताए गए तरीके से बकरी के लिए घर बनाकर उसको रखिएगा तो आपकी बकरी स्वस्थ भी रहेगी, सुरक्षित भी रहेगी और उसका विकास भी अच्छे से होगा। हाँ भैया, आवास की समुचित व्यवस्था के साथ बकरी के अच्छे विकास के लिए जरूरी होता है कि उन्हें समय के अनुसार उचित आहार भी मिले। आइए पहले देखते हैं इस विषय पर हमारे भैया दीदी का क्या सोचना है। बकरी को क्या खिलाते हैं? जंगल लगा के चराते हैं, फलहा पात खिलाते हैं जंगल लगा के। बकरी को क्या खाने पीने का देंगे भैया? जब भी समय मिलता है बच्चे लोग को तो चरा के ले आता है। बकरी चर का आता तो बांध देते हैं मार पानी दे के। अभी कितना में पेट भरेगा वो हमको मालूम नहीं है, बकरी बोल भी नहीं करता। बकरियों के उचित विकास के लिए जरूरी है कि उन्हें चराने के साथ साथ घर पर भी विशेष रूप से तैयार दाना मिश्रण दिया जाए। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दाना मिश्रण बनाते कैसे हैं और उस मिश्रण को बकरियों को कब और कैसे खिलाया जाता है। दाना मिश्रण बनाने के लिए हमें 5 सामग्रियों की जरूरत होती है जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध होती हैं। मिश्रण तैयार करने के लिए हमें मकई का दर्रा, गेहूं की भूसी, सरसों की खल्ली, मिनरल मिक्सचर एवं नमक की जरूरत होती है। बकरी के उम्र के हिसाब से सामग्रियों का अनुपात थोड़ा अलग होता है, जिससे कि उन्हें उम्र के हिसाब से जरूरी पोषक तत्व मिल सके। सभी सामग्रियों को निश्चित अनुपात में मिलाकर हम दाना मिश्रण तैयार करते हैं। जरूरत के अनुसार हम सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि 2 महीने तक के बच्चे के लिए अगर हमें 10 किलो दाना मिश्रण तैयार करना है तो हमें 6 किलो मकई दर्रा, 800 ग्राम गेहूं का भूसा, 900 ग्राम सरसों की खली,
200 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 100 ग्राम नमक की जरूरत होगी। इन सभी सामग्रियों को कूटकर अच्छे से मिला लें और जरूरत के अनुसार प्रयोग करने के लिए अच्छे से प्लास्टिक में भरकर सूखे स्थान पर रखें। बकरी के उम्र के हिसाब से दाना मिश्रण बनाने हेतु सामग्रियों की मात्रा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार में दाना मिश्रण की उतनी ही मात्रा बनाएं जितनी कि आप 15 दिनों में इस्तेमाल कर सकें। यहां वीडियो रोककर चर्चा करें। बकरी के लिए दाना मिश्रण बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है एवं इसे बनाने की विधि क्या है। मिश्रण तैयार करने के बाद उसे अच्छी तरह से प्लास्टिक बैग में भरकर रखना चाहिए जिससे कि उसमें नमी ना आए और ना वह खराब हो। बकरी पालन से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को संतुलित आहार देने की जरूरत है। किसान भाई हमारे जान लें कि बकरी के शारीरिक भार का शायद 3-4% शुष्क आहार की जरूरत पड़ती है। शुष्क आहार का मतलब हुआ कि दाना मिश्रण, हरा चारा, सूखा चारा तीनों के शुष्क भार को मिला जाए तो उसको शुष्क आहार कहा जाता है। लेकिन किसान भाई ये ध्यान देने की जरूरत है कि दाना मिश्रण 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/3 भाग से ज़्यादा होने पर उसको बहुत से प्रॉब्लम होता है। तो 1/3 भाग दाना मिश्रण और 2/3 भाग सूखा हरा चारा से पूरा कर सकते हैं। और संतुलित आहार, असंतुलित आहार यदि हम देते हैं तो उनका प्रजनन क्षमता और शारीरिक वृद्धि में बहुत कमी हो जाती है जिससे हमारे किसान भाई को उतनी आमदनी नहीं हो पाती है। इसलिए दाना जो है संतुलित देना है जिसमें कि ऊर्जा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मिले, इससे हमारे किसान भाई को काफ़ी फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि किसान भाई जान लें कि यदि असंतुलित आहार देते हैं तो उसको जो 24 माह में उनका वजन बढ़ेगा वहीं संतुलित आहार देने से 14 माह बढ़ जाएगा। तो उससे किसान भाई को क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर लेंगे। और यदि संतुलित आहार देते हैं तो 160 रुपये का दाना यदि खिलाते हैं, दाना और आहार खिलाते हैं, तो उससे करीब 1 किलो वजन बढ़ता है, मांस का वजन बढ़ता है, जिससे उससे 400-500 रुपये आमदनी होती है। कहने का मतलब कि जो लागत लगा रहे हैं उससे 3 गुना उनको ज़्यादा आमदनी हो रही है। तो इस तरह से किसान भाई संतुलित आहार दे करके और बकरी पालन को ये करे तो उससे काफ़ी फायदा होगा। लेकिन उनको ध्यान देंगे कि हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा दें अपना, जिससे उनकी आमदनी ज़्यादा हो सके। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें। बकरी को दाना मिश्रण खिलाने से हमें क्या फायदे होंगे? इस तरह बताए गए विधि से मिश्रण तैयार करके बकरियों को खिलाने से उनका वजन सही तरीके से बढ़ता है, उनकी दूध देने की एवं प्रजनन की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही साथ बकरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है एवं उनके मृत्यु दर में कमी आती है। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने बकरियों को चराने के साथ साथ दाना मिश्रण भी जरूर देंगे जिससे कि आपकी बकरियां स्वस्थ रहें, उनका वजन अच्छे से बढ़े और आपको अच्छी आमदनी हो। समझौता न करने वाली बातें। दाना मिश्रण बनाते समय सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। मिश्रण में प्रयोग की जा रही सभी सामग्रियां अच्छी गुणवत्ता वाली हो। मिश्रण को तैयार करने के बाद सूखे स्थान पर रखें। बकरियों के उम्र के हिसाब से मिश्रण को बनाना एवं सही मात्रा में उसे खिलाना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे हम अजोला की खेती कर बकरियों के लिए प्रचुर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं।